नए सत्र में आगे की पढ़ाई बाधित नहीं हो, इसको लेकर उच्च शिक्षा विभाग लगातार काम कर रहा है। कॉलेज परीक्षाओं का फैसला आने के बाद अब विभाग परीक्षाओं के साथ ही नए एडमिशन की तैयारियों में जुट गया है। 31 अगस्त तक परीक्षाएं आयोजित कराने के लिए विश्वविद्यालयों को निर्देश जारी किए गए, जिसमें अभी यूजी और पीजी के अंतिम वर्ष और अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाएं कराई जाएगी। तो वहीं हालात ठीक होने के बाद दूसरे साल की परीक्षाएं भी आयोजित होंगी। नए एडमिशन को लेकर कॉलेज शिक्षा आयुक्त संदेश नायक ने बताया कि सभी कॉलेजेस में एडमिशन के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए, साथ ही कॉलेजों की सूची ई मित्र पर अपडेट कर दी गई है। अगली कक्षा में प्रमोट होने वाले छात्रों के लिए पोर्टल को जल्द खोलकर उनका एडमिशन होगा। माननीय मंत्री महोदय जी ने डायरेक्शंस दिए हैं कि थर्ड ईयर के एग्ज़ाम्स, जो टर्मिनल एग्ज़ाम्स होते हैं, सेमेस्टर हो या एनुअल सिस्टम हो, पीजी फाइनल और यूजी के जो फाइनल ईयर एग्ज़ाम्स तुरंत यूनिवर्सिटीज को कराने के लिए कहे हैं। ऑफलाइन होगा और ये जो यूजुअली जो एग्ज़ाम्स के जो यूजी के पेपर्स होते थे, सब्जेक्ट वाइज दो पेपर होते थे, पेपर वन पेपर टू, उसको उस पेपर को एक ही दिन में आधा आधा घंटे का जो शिफ्ट में करने के लिए डायरेक्शंस दी हैं। इसके वजह से क्या है कि जो बच्चे जो गैदर होते थे कॉलेजेस में, एग्ज़ाम सेंटर्स में, तो इनको इंस्टेड ऑफ दो दिन के बजाय एक ही दिन में उनका एग्ज़ाम्स समाप्त हो जाएंगे। और उसमें बहुत फ्लेक्सिबल सिस्टम उन्होंने दिया है कि जो यूनिट सिस्टम हुआ करते थे उसको ख़त्म करने के लिए, और ये डायरेक्शंस बहुत क्लियर है।